स्वागत है एक बार फिर नेटो 10 पर। तो बड़ी खबर, राष्ट्रपति शासन लगने के बाद बहुत बड़े बड़े गंभीर आरोप हरक सिंह रावत पर हरीश रावत ने उस प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कैसे अपने मंत्रिमंडल में, उनके साथ एक ऐसा मंत्री था जो लगातार पैसों की बातचीत करता था, जिसे हमेशा धन दिखाई देता था और उन्हें इस बात पर काफ़ी दुख होता है। दो लोगों की संपत्ति चेक करने का आदेश भी हरीश रावत ने दिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि दो, एक मंत्री और एक वो जो भाजपा के नए खेवानार बने हैं, यानी कथित पत्रकार जो सिस्टिंग में शामिल बताए जा रहे हैं, दो लोगों की संपत्ति के लिए भी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बात कही है। इस पूरे घटनाक्रम पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके राष्ट्रपति शासन लागू हुआ प्रदेश के अंदर, काले अध्याय के तौर पर एक नया दिन 27 मार्च रविवार का दिन ये जुड़ा, इसके बाद क्या आगे का क्या घटनाक्रम होगा, क्या प्रदेश के अंदर जो बागी विधायक है क्या वो कोई अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी को राज्यपाल आमंत्रित करेंगे कि वो सरकार अपनी बनाए, क्या भारतीय जनता पार्टी जो बागी विधायक है उन्हें बाहर से समर्थन देगी, कांग्रेस का स्टैंड क्या हो गया, का क्या क्या न्याय व्यवस्था के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई तरह के सवाल खुलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन हरीश रावत के खिलाफ जो पूरी लॉबिंग लगी थी, 18 मार्च का घटनाक्रम आपको अच्छी तरह से याद होगा, पूरा याद होगा, सुबह इनकम टैक्स के छापे भी याद होंगे, पूरे दिन श्याम जाजू का विधानसभा में मौजूद रहना भी याद होगा, कैलाश विजयवर्गीय का देहरादून पहुंचना भी याद होगा, उसके बाद रात को प्लेन लेकर महेश शर्मा का, डॉक्टर महेश शर्मा का देहरादून पहुंचना भी याद होगा। उस पूरे घटनाक्रम के बाद 18 मार्च से लेकर 26 मार्च तक एक नया घटनाक्रम चलता है। 26 मार्च को इस घटनाक्रम के अंदर काफ़ी अध्याय, कुछ नए अध्याय जुड़ते हैं और वो नए अध्याय कई बातों का संकेत देते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आता है, उसके बाद एक प्रेस वार्ता करके मुख्यमंत्री उसका खंडन भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात, 27 मार्च में एक और सबसे बड़ी बात देखी गई, फॉरेंसिक जांच के लिए वो सीडी जाती है चंडीगढ़, सीडी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी जाती है और सिर्फ एक ही दिन के अंदर फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास भी आ जाती है और सीडी को सही बताया गया है। इतने स्टिंग उत्तराखंड के अंदर हुए, इससे पहले भी काफ़ी स्टिंग उत्तराखंड के अंदर हुए, सरबत करीम अंसारी का एक स्टिंग भी सामने आया था, मोहम्मद शाहिद सचिव थे मुख्यमंत्री के, उनका स्टिंग भी एक सामने आया था। इसके अलावा और भी कई स्टिंग प्रदेश के अंदर हुए, लेकिन सिर्फ एक स्टिंग हरीश रावत का, जिसके अंदर एक ही दिन में स्टिंग सामने आता है, उसी दिन फॉरेंसिक जाँच के लिए आता है और अगले दिन सीडी की जाँच सही पाई जाती है। कई इस तरह की घटनाएं राष्ट्रपति शासनकाल के लागू हो चुका है, लेकिन 18 मार्च से लेकर 27 मार्च तक प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की राजनीति ने, प्रदेश की सियासत ने, प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश के पहाड़ी तबके के लोगों ने कई तरह के ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम देखे जो शायद उत्तराखंड के इतिहास में पहले कभी नहीं थे, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहले कभी ऐसे नहीं थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस घटनाक्रम के बाद आगे की राजनीतिक विचारधारा क्या बनेगी, आगे के राजनीतिक रास्ते कौन से खुलेंगे, जब जनता की अदालत में पार्टियां जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस जाएगी, तीसरा मोर्चा जाएगा, तब उनके मुख्य मुद्दे क्या होंगे, तब उनकी पहली मांग क्या होगी, तब उनकी प्राथमिकता क्या होगी, और उत्तराखंड के अंदर जो एक लोकतांत्रिक तौर पर एक निर्वाचित सरकार थी, वो निर्वाचित सरकार अब निलंबित कर दी गई है। वो निर्वाचित सरकार के निलंबित होने के बाद मेरे साथ डॉक्टर जीतराम जुड़ चुके हैं विधायक के थराली से। जीतराम जी स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जीतराम जी, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, राष्ट्रपति शासन प्रदेश के अंदर लागू हो चुका है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन के बाद जो आगे की प्रक्रिया है वो सब शुरू हो चुकी है, राज्यपाल ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं, सदन के अंदर जो बजट पास होने की बात थी वो बजट पास नहीं हुआ है, राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, अब वो बजट संसद के लिए जाएगा, संसद में पास होगा, आगे के सब घटनाक्रम बनने तय हो गए हैं, कांग्रेस कि आगे की क्या भूमिका होगी, डॉक्टर जीतराम को क्या लगता है इस राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद अब आप जनता के अदालत में जाएंगे, पहली आपकी मांग क्या होगी, पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? ये तो भारतीय जनता पार्टी की हताशा है कि इतने लोग प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी की ये हताशा है, इससे पूरे देश में जो है जहाँ वो चुनाव के माध्यम से जीत के नहीं आ रहे हैं, वहाँ की सरकारों को गिराने का काम कर रहे हैं, यही मोदी का नारा था कि हम जो है कांग्रेस विहीन कर देंगे, क्यों तो आ नहीं पा रहे हैं, वो बिहार नहीं आए, दिल्ली नहीं आए, दिल्ली की सरकार गिराई, वहां नहीं आ पाए, वहां बुरी हार हुई, बिहार में बुरी हार हुई, तमाम प्रदेशों में, उसके बाद फिर उनको अकल, दिमाग में अकल नहीं है, उनकी इतना उनकी समझ में नहीं है, समझकर खड़े हैं कि जो निर्वाचित सरकार है, निर्वाचन के थ्रू अगर आप लोग पाए तो आप निर्वाचन कर चुनाव कराइए, कल से आप चुनाव के डिक्लेयर आप विधानसभा को
भंग कर करके सीधे चुनाव में जाते तो जीत गया हो, कौन करा मत बताओ सरकार आप जुड़ाओगे। और इस तरह से खरीद फरोज का मुझे मेरे पास खुद ऑफर आया था 5 करोड़ रुपए का। जी आपने मुझे बताया था, मेरी आपकी बातचीत होती थी यहाँ पैसे तो हम एक बिकने वाले में नहीं है। इस तरह का काम बीजेपी की मानसिकता है, उस वही तरह से है और आज प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो गया है। लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग तो डॉक्टर साहब ये हॉर्स ट्रेडिंग दोनों तरफ से की गई। यदि हम स्टिंग के भी सामने बात रखते हैं, कथित स्टिंग के अंदर जो मुद्दे सामने आए हैं उसमें भी हॉर्स ट्रेडिंग के मुद्दे सामने आए, यानी हॉर्स ट्रेडिंग सिर्फ भाजपा ने नहीं की, कांग्रेस की भी सामने आई है। और शायद सबसे बड़ा आधार केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा आधार इस मुद्दे को बनाया है। भाई भाजपा ने पहले शुरू किया हॉर्स ट्रेडिंग, बिना नौ जो लोग गए बिना पैसे के गए वहाँ, ये बताओ तो। आज ये प्रदेश का विकास जनता की किसी को जो है वो नहीं है, आज चिंता नहीं है, जनता की चिंता किसी को नहीं है। इस तरह के जो हॉर्स ट्रेडिंग का काम जो कर रहे बीजेपी ने शुरुआत जो हुए तो बैलेंस का, उसमें हमने तो किसी को पैसा दिया नहीं, कांग्रेस ने पैसा दिया नहीं। हो सकता है कि कहीं कोई बातचीत हो रही हो ऐसे, उसमें कुछ इस तरह के लोग हैं जो बताने वो तो हमेशा एक फर्जी आदमी टाइप का लगा मुझे। उसने 2-3 इस तरह के स्टिंग कर रखे हैं, वो स्टिंग है उसके, तो ये तो कोई उसका वो नहीं हुआ जो स्टिंग कर रखे। लेकिन जो उत्तराखंड जो जैसे पहाड़ी और शांत प्रिय राज्य है, उस जिसको आपने एक उसकी वो धकेला जो है उस जो विकास को अवरुद्ध करने का काम किया, विकास को रोकने का काम किया जो बीजेपी सरकार ने, वो निश्चित ही निंदनीय है। और इस तरह की सरकार अगर आपको वो तो अपने पे विश्वास नहीं है, दूसरे पे उस पर बनी बनी सरकार पे क्यों आप उसको गिरा रहे हैं? तो ये समान और विकास की आप प्राथमिकताएं, क्योंकि अगले जो 6-7-8 महीने में होने थे, कई विकास इस साल के बजट से होने थे, वो बजट में कई प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों को जोड़ करके। जीतराम जी एक चीज और आपके हिसाब से प्रदेश की जनता जानना चाहेगी, जीतराम जी ये हालात जो 18 मार्च को बने, ये हालात की शुरुआत कब से हो गई थी? क्या पहले भी पिछले साल 2015 में, 2014 में या 2013 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या किसी अन्य विधायक के नेता के द्वारा क्या कोई इस तरह की कोशिश की गई थी, प्रयास किए गए थे सरकार गिराने के? ये ज्यादातर ये प्रयास जो है 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ हुई तब से ये प्रयास शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे इनको कोई मिले नहीं, पास में कुछ लोग उनको जो है कुछ लोग ऐसे मिले जो बिकने वाले थे, बिकने वाले लोग चले गए, वो बिकने में आ गए, जो बिकने में नया है नहीं। तो इनका प्लान था 15, हम भी न्यूज के माध्यम से सुन रहे थे कि 15 लोग वो तोड़ने का, गए नहीं, पे लोग बिके नहीं। और आज जनता इनको आने वाले चुनाव में जनता जवाब देगी, इसका पूरा जवाब देगी जनता। जीतराम जी ऐसे हालात 2014 के बाद बने, आपने कहा, क्या 2014 में किसी नेता ने आपसे ऐसा संपर्क किया था पार्टी तोड़ने की बात या फिर सरकार गिराने की बात सामने आई थी कुछ? हेलो जीतराम जी, 2014 में जब इस तरह के हालात बने थे, सतपाल महाराज जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, उस वक्त आप काफी करीबी हो, जीतराम जी से संपर्क मेरा टूट गया, लेकिन इस तरह के हालात का संकेत जीतराम जी ने भी दिया, इस तरह के हालात बनने शुरू हो गए थे 2014 के बाद से। लगातार नेटो 10 आपको 18 मार्च के बाद से लगातार दिखा रहा है कि 2014 में किस तरह के हालात थे, 2013 में किस तरह के हालात थे, आपदा आने से पहले किस तरह के हालात थे, आपदा आने के बाद किस तरह के राजनीतिक हालात हुए, और जब विजय बहुणा की कुर्सी गई, हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सतपाल महाराज का भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना, कांग्रेस का 5 लोकसभा सीट उत्तराखंड में हार जाना, ये काफी कुछ ऐसे संकेत थे। उसके बाद सभी विधानसभा उपचुनाव के अंदर 4 विधानसभा उपचुनाव हुए, चारों में कांग्रेस का जीत हासिल करना, ये सब ऐसे घटनाक्रम था जो एक के बाद एक जुड़ते चले गए। 2 राज्यसभा, उसके बाद मेंबर भी गए, पहले श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा, स्वर्गीय मनोरमा डोबरियाल शर्मा जी राज्यसभा मेंबर के तौर पर गई, उनके देहावसान के बाद वहां पर उनकी सीट पर राज जब्बर एमपी बतौर राज्यसभा गए, लेकिन उसके बाद इस घटनाक्रम के बाद इस तरह के हालात बनने शुरू हुए। 2014 में क्या हालात थे वो हमने लगातार नेटो 10 ने भी आपको दिखाया कि 2014 से इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि शायद 2017 तक पार्टी, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो शायद 2017 इस तरह न देख पाए जो हालात बनने शुरू हो गए थे। पार्टी के अंदर आपसी गुटबाजी शुरू हो गई थी, पार्टी के अंदर अपने आप को आगे रखने की, दूसरे को नीचा दिखाने की राजनीति शुरू हो गई थी। इस तरह की राजनीति थी कि हरक सिंह रावत, विजय बहुगुणा एक साथ थे, हरीश रावत, इंदिरा हृदय एक साथ थे, यशपाल आर्य हरीश रावत के फेवर में थे, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे थे, किशोर उपाध्याय का प्रदेश अध्यक्ष बनना, सुबोध उनियाल का नाम कटना, उसके बाद एक मंत्री
मंत्री पद लगातार कई महीनों से खाली चलना, राज्यसभा के लिए बाहर से राज्यभर का जाना, और अब जो आने वाली जुलाई 2016 है उसके अंदर एक सीट और खाली होगी, तरुण विजय वाली सीट खाली होने के बाद, उसके बाद फिर और आगे के हालात किस तरह बनेंगे, वो सब बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं सामने इस राजनीति को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये घटनाक्रम बिल्कुल खुलकर अब सामने आ चुका है, जो जिसके विरोध में था वो विरोध 18 मार्च से देखना शुरू हो गया है। सतपाल महाराज का पूरा फेवर रहा, अमता रावत और जो बागी 9 विधायक थे उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ जो फेवर रहा, सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जो कुछ भी मुद्दे रहे, आज पूरा प्रदेश इस मुद्दे के इस घटना को अपनी आंखों से देख रहा है, पूरा घटनाक्रम साबित हो चुका है। लेकिन कुछ सवाल प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, किस तरह के हालात आखिर क्यों बने, क्या राष्ट्रपति शासन ही एक अंतिम विकल्प प्रदेश के अंदर बन गया था, एक ऐसा सीमांत राज्य जो अभी सिर्फ 16 साल का है, एक ऐसा सीमांत राज्य जहां पर विकास की सबसे ज्यादा दरकार है, एक ऐसा सीमांत राज्य जहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार होती, जहां पर विकास के मुद्दे होते, जहां पर पहाड़ पर खड़े अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक हम विकास की बात करते, ये जहां पर जैसे अभी कुछ दिन पहले हरीश रावत है, उससे पहले विजय बघौना है, उससे पहले निशंक और खंडूरी, उससे पहले एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, सभी जो 8 मुख्यमंत्री रहे वो इस मुद्दे को उठाते थे। अभी तक एक मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया रही हो, सरकार गिराने की प्रक्रिया रही हो, सरकार बदलने की प्रक्रिया रही हो, एक 5 साल के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री मिले तो सिर्फ एनडी तिवारी मिले, उसके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का शासनकाल नहीं देख सका। आखिर ऐसे हालात क्यों बने, क्या मुख्यमंत्री देने की फैक्ट्री ही बन गया है उत्तराखंड, और वो उत्तराखंड जो सपनों का राज्य था, वो उत्तराखंड जो आंदोलन के बाद बना था, एक वो उत्तराखंड जिसमें सबसे ज्यादा दरकार थी कि जहां पर पहाड़ की बात होती है, जहां पर विकास की बात होती, जहां पर मैदानी क्षेत्र पहाड़वाद की राजनीति न करके, जहां पर ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद की राजनीति न करके, जहां पर क्षेत्रवाद गुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल की राजनीति न करके, एकजुट होकर जैसे हमारे पड़ोसी राज्य के अंदर हुआ, जैसे हमारे सीमांत राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ, एक ऐसा विकास उत्तराखंड के अंदर भी देखने को मिलता। लेकिन 16 साल के बाद आज एक ऐसा दिन भी आया जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, जहां पर लोकतांत्रिक सरकार को दरकिनार कर दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। आखिर इतने इस तरह के हालात क्यों बने, क्या राजनीति सिर्फ यही एक जरिया रह गई है, क्या राजनीति सिर्फ लोक लुभावन रह गई है, क्या राजनीति सिर्फ व्यक्तिगत हित की बात करने के लिए रह गई है? ये काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश की जनता पूछेगी जब जनता की अदालत में ये सब नेता जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी जनता की अदालत में जाएगी, जब कांग्रेस पार्टी जनता की अदालत में जाएगी, जब बागी विधायक जनता की अदालत में जाएंगे, तब ये सब मुद्दे उठेंगे कि आखिर जनता क्यों इन्हें चुने, जनता ऐसे नेताओं को क्यों वोट दे जो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, जो जिनके गिरे हुए स्तर की राजनीति होती है। काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला बनकर सामने आएंगे। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ा सवाल यह भी आता है, इस पूरे घटनाक्रम पर अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के 2 सबसे बड़े पहलू भी निकल कर सामने आते हैं। जैसे हरक सिंह रावत और विजय बघौना ने इस मांग को उठाया था, हालांकि ये कोई नई मांग नहीं है, 2016 के अंदर जो घटनाक्रम हुआ 18 मार्च का, ये कोई एक नई शुरुआत नहीं थी, 2014 से इसकी नींव डलनी शुरू हो गई थी, 2015 में भी इस तरह के प्रयास शायद हल्के फुल्के स्तर पर देखने को मिले थे, लेकिन उस वक्त सब एकजुटता नहीं देखने को मिली थी तो ये बड़ा धमाका नहीं हो सका था। 2016 में इस तरह का धमाका क्यों हुआ, क्या हरीश रावत की भूमिका एक वन मैन शो की भूमिका बन गई थी? और जैसे अभी भगत सिंह कोश्यारी ने भी आज आरोप लगाया था, उन्होंने भी कहा था कि प्रदेश के अंदर सिर्फ एक नारा चलने लगा था कि ना खाता ना बही, जो हरीश का है वो सही, इस तरह का नारा क्यों चलने लगा था, या 2-4 इसके पहलू सामने आते हैं। क्या प्रदेश के अंदर अकेले हरीश रावत ही सरकार चला रहे थे, जो उनके बाकी मंत्री थे, यशपाल आर्य थे, इंदिरा हृदयेश थी, सुरेंद्र सिंह नेगी थे, प्रीतम सिंह थे, हरक सिंह रावत थे, कुछ अच्छे कद्दावर कांग्रेस के नेता हैं, इसके अलावा कुछ पीडीएफ के नेता थे, तो इन सब मंत्रियों के बीच में क्या इन सब मंत्रियों की नहीं सुनवाई होती थी? क्या सब कुछ हरीश रावत के दरबार से होता था? क्या सब कुछ सीएम के दरबार से होता था? जो आरोप लगातार हरक सिंह रावत ने, विजय बघौना ने, बागी विधायकों ने, भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हैं, क्या वो आरोप सही हैं या फिर सिर्फ एक नीचा दिखाने वाली राजनीति थी? हरीश रावत की लोकप्रियता से सबको डर लगने लगा था, क्या हरीश रावत 2017 के लिए काफ़ी मजबूत हो गए थे और सबको ये डर था कि अगर हरीश रावत सरकार चलाते रहे तो 2017 में आसानी से कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट कर लेगी? कुछ ऐसे बड़े पहलू हैं जो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद लोगों के मन में सवाल आने शुरू है कि आखिर इस तरह के घटनाक्रम क्यों बने।
हरीश रावत सबके लिए मजबूरी, हरीश रावत को हटाना सबके लिए मजबूरी क्यों बन गया था, या फिर हरीश रावत सबके लिए टारगेट पर, सबके निशाने पर क्यों आ गए थे? और उसके बाद एक के बाद एक घटनाक्रम, 18 मार्च के बाद 19 मार्च में नया घटनाक्रम, 20 मार्च में नया घटनाक्रम, 21, 22, 23, 24, 25 में नया घटनाक्रम, 26 में और एक सबसे बड़ा धमाका स्टिंग ऑपरेशन का एक सामने आना, उसके बाद एक आधार केंद्र सरकार को मिलना, और उस आधार के बाद केंद्र सरकार के, उस आधार के बाद राष्ट्रपति शासन लागू होना, और एक आनंद फानन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम का दौरा छोड़कर कल रात 26 मार्च की रात में वापस आते हैं, अपने आवास पर कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं, कैबिनेट मीटिंग में वो प्रस्ताव पारित होता है और एक सिफारिश राष्ट्रपति को भेजी जाती है कि प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उसके अलावा 28 मार्च का इंतजार नहीं होता है, 28 मार्च में क्या बहुमत साबित करने की योग्य थे हरीश रावत, क्या ये डर था भारतीय जनता पार्टी को और बागी विधायकों को इसलिए 28 मार्च का इंतजार नहीं हुआ, या फिर इतना बड़ा घटनाक्रम बन गया था कि 28 मार्च से पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू करना एक मजबूरी बन गया था? कुछ शिल्पी अरोड़ा जी प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ मौजूद है। शिल्पी जी आपका स्वागत है। शिल्पी जी, राष्ट्रपति शासन प्रदेश के अंदर लागू हो चुका है और कई तरह के सवाल भी जनता लगातार उनके मन में आ रहे हैं, अब अगर शिल्पी जी से हम पूछे तो अगला कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? क्या कांग्रेस राष्ट्रपति शासन को, ये जो सीडी की फोरेंसिक जांच अभी सामने आई है, क्या इसे चैलेंज करेगी कोर्ट के अंदर? नहीं, राष्ट्रपति शासन तो जो भी हम लोगों के पास लीगल मेजर्स होंगे वो लिए जाएंगे, राय ली जा रही है, क्योंकि बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति वोटिंग से एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन इम्पोज किया गया, ये बिल्कुल प्रजातंत्र की निर्मम हत्या की गई है और पूरा उत्तराखंड ये देख रहा है कि किस तरीके के सत्ता के लोभी लोग सत्ता हथियाने के लिए इस तरीके से अप्रतिष्ठानते काम कर रहे हैं। लेकिन अभी एक फोरेंसिक जांच भी है शिल्पी जी, आपको मालूम होगा कल एक स्टिंग सामने आता है, उसके बाद कल वो सीडी फोरेंसिक जांच के लिए भेज भी दी जाती है गृह मंत्रालय के द्वारा चंडीगढ़ में, और एक ही दिन में उसकी जांच भी सामने आती है, क्या फोरेंसिक जांच के खिलाफ भी कोई चैलेंज करने का कोई मन है कांग्रेस का भी? देखिए, फोरेंसिक जांच क्यों करी गई, एक दिन में कैसे आ गई, कहां तो महीनों महीनों तक लैब में नहीं ली जाती, किस क्या मंशा है उसके पीछे, ये तो जांच होगी। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद डिनाई कर चुके हैं कि मैं नहीं हूँ सीटी में, अब उसमें क्या है, कितनी जांच हुई है एक दिन में और उसके पीछे इतनी जल्दी करने की क्या मंशा है, ये समझ में नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री जी ने ओपनली कहा कि किसी भी जांच के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हमें जांच से डरने की कोई बात नहीं है इसमें। अब अगला स्टेप क्या होगा कांग्रेस का शिल्पी जी? देखिए, अगला स्टेप, पहले तो ये लीगल राय ली जा रही है अभी कि अब क्या करना है इसमें, जो राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड की जनता के ऊपर थोपा गया और जो प्रदेश में आर्थिक स्थिति चल रही थी उसको रोकने के प्रयास करे गए हैं, इसके लिए शिल्पी जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। शिल्पी जी आप अपना जवाब दोहराइए। शिल्पी जी आपकी आवाज प्रॉपर चैनल में नहीं आ पाई है, आप अपना जवाब एक बार फिर दोहराइए। अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होगा शिल्पी जी? संपर्क शिल्पी जी से लगा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगला स्टेप क्या होगा कांग्रेस विचार कर रही है, इस तरह के संकेत शिल्पी अरोड़ा ने जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की, उनका ये बयान सामने आया है। लेकिन सीडी की फोरेंसिक जांच और राष्ट्रपति शासन पर इसके बाद भी, जैसे कि शाम के इससे पहले भी प्रेस वार्ता करके शकील अहमद ने भी संकेत दिए थे और सलमान खुर्शीद ने भी संकेत दिए थे कि हम इसे चैलेंज करेंगे, राष्ट्रपति शासन को चैलेंज किया जाएगा कोर्ट के अंदर, इस तरह के संकेत कांग्रेस की तरफ से देखने को मिले। लेकिन अगला स्टेप कांग्रेस का क्या होगा और आगे की क्या भूमिका तय होगी, क्या राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित कर सकते हैं सरकार बनाने के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी बागी विधायकों को बाहर से समर्थन कर सकती है? आगे का स्टेप भविष्य के गर्त में है, लेकिन इस राष्ट्रपति शासन से काले अध्याय जुड़ने के बाद उत्तराखंड की राजनीति एक नई दशा और एक नई दिशा की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। नमस्कार।